तो दोस्तों आइए जानते हैं गुजरात के और 20 जगहों के बारे में। इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 21 के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम 20 जगहों के बारे में बताएंगे गुजरात के कौन कौन से 20 ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, कौन से घूमने लायक देखने लायक जगह हैं। बने रहिए ट्रैवल सपोर्ट की इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको सारी जगह के बारे में डिटेल में जानकारी दे देंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 भावनगर। खंबात की खाड़ी में ये जगह स्थित है जो कि समुद्र की लहरों, प्राचीन इतिहास, संस्कृति और अपनी वास्तुकला के आकर्षणों के लिए फेमस है गुजरात में। नंबर 2 पालनपुर। पालनपुर गुजरात के बनासकांठा ज़िले में एक शहर है और नगर पालिका है। ये ज़िले में प्रशासनिक मुख्यालय है जो हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए समर्पित है। ये जगह विशाल वास्तुशिल्प मंदिरों के लिए जानी जाती है जो कि जैन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिर हैं यहाँ पर। नंबर 3 अंबरगांव। गुजरात राज्य के वलसाड ज़िले में ये जगह स्थित है। अंबरगांव या फिर कहें उमरगांव एक छोटा सा जनगणना शहर है जो कि अनिवार्य रूप से मछुआरों द्वारा बसा हुआ है। ये एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए गुजरात में जाना जाता है, जो कि यहाँ के समुद्री तटों और प्राचीन मंदिरों के लिए जगह जानी जाती है। नंबर 4 अंजर। अंजर कच्छ जिले में गुजरात का एक शहर है और एक नगर पालिका है जो कि अपना 1400 वर्ष पुराना इतिहास संजोए हुए है। ये गुजरात के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये जगह रेगिस्तानी जलवायु के लिए काफ़ी फेमस है गुजरात में। नंबर 5 पिरोटन आइलैंड। पिरोटन आइलैंड 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये समुद्री पार्क क्षेत्र में से 42 द्वीपों में से एक है जो कि पश्चिमी तट पर गुजरात के जामनगर ज़िले में समुद्री नेशनल पार्क के पास स्थित है। ये 1982 में स्थापित हुआ था जो कि अपने निवासियों को प्रकृति का एक अभाज्य यानी कि ब्यूटीफुल व्यू प्रदान करता है। नंबर 6 डांडी बीच। ऐतिहासिक महत्व के लिए जगह जानी जाती है। सूरत में डांडी एक समुद्र डेस्टिनेशन है जो कि अपने ऐतिहासिक समृद्ध संस्कृति के लिए पर्यटकों का अपनी ओर खींचती है। डांडी का शांत और प्राचीन सौंदर्य और लंबे शानदार इतिहास के देखने के लिए लोग यहाँ पर आया करते हैं। नंबर 7 वाडला। वाडला अहमदाबाद से थोड़ी दूर गुजरात के दलदली वेटलैंड के पास प्रवासी पक्षियों के लिए एक अप एंड डाउन एक हेवन है, यानी कि एक छोटी सी बर्ड सेंचुरी है जो कि इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इसे केवल स्थानीय निवासियों के अलावा और बाकी कम लोग जाना करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे इंट्रो में भी यही है चैनल के में, जो चीज़ फेमस नहीं है हम उसके बारे में बताते हैं अपने चैनल में, जो चीज़ खूबसूरत है देखने लायक है उनके बारे में हम ज़रूर बताते हैं अपने चैनल पर। नंबर 8 कबीरवाड़। कबीरवाड़ गुजरात के भरूच ज़िले में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ कई सौ साल पहले संत कबीर का निवास था। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ये द्वीप आपको बरगद के पेड़ों की नम घाटी के बीच एक शांत और निर्भर निवास प्रदान करता है जिसके लिए कबीरवाड़ काफ़ी फेमस है। नंबर 9 जरवानी वाटरफॉल्स। यदि आप एक नेचर लवर हैं और अपने अगर टार्जन मूवी देखी हो या फिर द जंगल बुक देखी हो जिस तरीके से वो रहता है अपने जंगलों में, इस तरीके से जानवरों के साथ रहता है, तो उस तरीके से अगर आप चाहते हैं एक शांत वातावरण चाहते हैं अपना गुजरात के अंदर जा रहे हैं और एक शांत वातावरण चाहते हैं तो जरवानी वाटरफॉल्स आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। गुजरात के बड़ौदा से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर ये जगह स्थित है। ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर झरनों में से एक माना जाता है। नंबर 10 हाथनी वाटरफॉल्स। जम्बू घोड़ा सबसे लुभावनी और शानदार झरनों में से एक है जो आप भारतीय उपमहाद्वीप में देख सकते हैं। लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई और समृद्ध हरियाली के साथ बहते हुए हाथनी वाटरफॉल्स विभिन्न प्रकार की सुंदर वनस्पतियों और जीवों से घिरा हुआ है। इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं। नंबर 11 मोढ़ेरा। मोढ़ेरा गुजरात राज्य का एक प्राचीन गांव है जो कि चालुक्य वंश द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक सच्चा ऐतिहासिक खजाना है। गांव एक रहस्यमय आभा यानी कि ओरा से घिरा हुआ है। ये एक आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक केंद्र है गुजरात का। नंबर 12 स्टैचू ऑफ यूनिटी द आयरन मैन ऑफ इंडिया। प्रतिमा को सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत के दृष्टिकोण और उनकी देशभक्ति की स्वतंत्रता संग्राम में भारत की एकता को और उनकी देशभक्ति को प्रेरित करने के लिए बनवाई गई है। ये कांस्य यानी ब्रॉन्ज प्रतिमा पूरे विश्व का ध्यान खींचने के लिए 182 मीटर लंबी बनाई गई है जो विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा के रूप में उभरती है। तो दोस्तों अगली वीडियो हमारी विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू के ऊपर ही आने वाली है। सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो लिंक जरूर चेक कर लेना। मैं स्टैचू वाली वीडियो को जरूर लिंक डालूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। ये एकता की मूर्ति गुजरात में स्थित है जो कि नर्मदा नदी के तट से 3.2 किलोमीटर दूरी पर सरदार सरोवर बांध से भी दिखाई दे जाती है। नंबर 13 मरीन नेशनल पार्क। कच्छ की खाड़ी में मरीन नेशनल पार्क भारत में निर्मित समुद्र कंजर्वेटरी है। वनस्पति और जीवों की अपनी विविध रेंज का श्रेय यह भारत के प्राकृतिक संसाधन और सुंदरता के लिए एक शानदार प्राकृतिक स्थल है। पार्क को 42 द्वीपों में से एक द्वीप समूह में वितरित किया गया है। पार्क में कई लुप्त होने वाले जानवर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो जानवर लुप्त होते जा रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं वो जानवर आपको वो जानवर और जीव आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएंगे।
नंबर 14 विल्सन हिल, गुजरात के धर्मपुर जिले में विल्सन हिल उन स्थानों में से एक है जो जगह प्राकृतिक और मनोरम सौंदर्य का गवाह बनने के बाद अरे वाह कहने लायक जगह है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अरे वाह इतनी खूबसूरत ये जगह है। हिल की ज़मीन के करीब तैरते बादल, हरे भरे जंगल, पहाड़ी के बीच सुखद जलवायु और लुभावने दृश्यों को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर खींचे चले जाते हैं, और जो नेचर की फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेस्ट जगह है ये। नंबर 15 वांकेनर, गुजरात के माचू नदी के झुकने वाले स्थान पर यह जगह स्थित है। वांकेनर एक शाही शहर है जो अपने शाही वंश और विरासत स्मारकों के लिए जाना जाता है। नंबर 16 नारगोल बीच, नारगोल बीच एक सुंदर और एक शांत समुद्र तट है जो गुजरात राज्य में स्थित है और ये 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हरे भरे कैसुन पेड़ से इस समुद्र तट की सुंदरता 10 गुना बढ़ जाती है। इस समुद्र तट पर जाने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में। नंबर 17 सरदार सरोवर डैम या फिर कहीं नर्मदा डैम, गुजरात के नमगाम के पास ये जगह स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, एक विशाल बांध है जो कि पानी के संरक्षण, पर्यावरण और आसपास के लोगों को मदद प्रदान करने के लिए बनाया गया है। परियोजना की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य 1979 में शुरू हुआ था, 1979 में शुरू हुआ था। आज ये बांध आसपास के कई गांवों को पानी प्रदान करता है और साथ ही सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए मदद करता है। ये भी एक बेस्ट जगह है गुजरात में देखने लायक। नंबर 18 रतन महल स्लोथ बियर सेंचुरी, रतन महल एक पहाड़ी द्वीप है जिसे दाहोद जिले के गुजरात में स्लोथ बियर का घर कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्लोथ बियर तेंदुए से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इस रोमांचकारी जानवर को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। गुजरात टूरिज्म द्वारा यहाँ पर ऑन सर्विस सुरक्षा रहती है, यानी कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। नंबर 19 जरदारी वाटरफॉल्स देहगांव, गुजरात की वक्र नदी के पास ये झरना स्थित है। ये झरना 25 फीट की ऊंचाई से चट्टानों पर गिरता है जो कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल दृश्य यानी कि व्यू प्रदान करता है। नंबर 20 बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल मैंने कराएगी सो ऑल स्टार्ट कर लेना आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नंबर 20 तरंग हिल, तरंग हिल गुजरात के मेहसाणा ज़िले में सावर नदी किनारे के पास तीन चोटी पहाड़ी को दर्शाता है। ये अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तरंग हिल जैनियों के लिए एक बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसे 5 सबसे महातीर्थों में से एक मानते हैं वो लोग। पर फेमस अजीत का टेंपल भी है, हालांकि पहाड़ियों में जैनियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, लेकिन मंदिरों की वास्तुकला किसी के लिए भी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कोई भी जा सकता है। यहाँ ये मंदिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, कोई भी यहाँ पर जा सकता है, देख सकता है, ऐसा घूम सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये थे 20 ऐसी जगह जो हमने आपको बताए हैं जो गुजरात में देखने लायक हैं, घूमने लायक हैं और इनमें कुछ पर्यटक स्थल हैं हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर आएगी उसे ऑल सेट कर लेना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में या फिर उसके साथ में जो गुजरात जाना चाहता है, घूमना चाहता है, गुजरात में है उसे पता नहीं है, वो इंटरनेट पर सर्च नहीं करना चाहता, उसके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर कर दो या फिर कहीं भी शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।